हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर ब्लैक डार्क फ़ोटो एडिट करके बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की और सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद डबल क्लिक फ़ोटो को इनपुट कर लेंगे। इनपुट करने के बाद इसको बीच में लाते हैं। इसका इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे, राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर, ओके। इसको मैक्स मैच कर लेते हैं। ब्लेंडिंग मोड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिलेक्टिव कलर ब्लैक को हल्का डिक्रीज कर देंगे, ओके। कर्व ले लेंगे, हल्का इसको डार्क कर देंगे, ओके। कंट्रोल ही प्रेस करके इन लोग की दोनों को मर्ज कर लेंगे। इसका डुप्लीकेट लेंगे फिर से, ओके। फिल्टर मेनू, ब्लर, गॉजियन ब्लर, आप अपने हिसाब से ब्लर को रख लें, ओके। एक इसके अंदर मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ब्रश टूल को ले लेंगे। ओपेसिटी और होलो को 100 रहने दें। फोरग्राउंड कलर को वाइट, अपने बैकग्राउंड में ब्लर करें। आप अपने फोटो में अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो सेचुरेशन, इसमें हम येलो को ले लेंगे, येलो को पूरा डिक्रीज कर देंगे, ओके। कंट्रोल जे जे प्रेस करके गुड डुप्लीकेट कर लें। मैं तो इसको डार्क बना रहा हूँ, वाइट डार्क, ब्लैक डार्क। इन सभी को मर्ज कर ले, कंट्रोल ही प्रेस करके मर्ज कर लेते हैं। मेरे पहले कुछ ऐसा था, अब कुछ ऐसा है। इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे। लेने के बाद हल्का फेस पे स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के लिए सबसे फिल्टर मेनू, फिर से ब्लर, गॉजियन ब्लर, आप अपने हिसाब से फ़ोटो को ब्लर रख लें, ओके। इसके अंदर मास्क बनाएंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ओपेसिटी को 100 रहने दें। होलो को आप अपने हिसाब से रख लें। मैं 20 रख लेता हूँ। बस फेस पे चलाना है। आप अपने फोटो में अच्छी तरह से कर लें।
उसके बाद फिर से ब्लेंडिंग मोड को ओपन करेंगे, सिलेक्टिव कलर ब्लैक को डिक्रीज कर देंगे, हल्का येलो को भी डिक्रीज कर देंगे। ओके, हल्का कर्व ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से रख लें। ओके, कंट्रोल आई प्रेस करें, ओपेसिटी को 100, फॉलो को भी 100 कर लें। ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ, उसमें ड्रैग करें। अपना फोटो अच्छी तरह से कर लें। इन सभी को मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई प्रेस करके। इसका एक डुप्लीकेट लेयर फिर से लेता हूँ। ओके, ब्लेंडिंग ओपन फिर से ओपन करेंगे, कलर बैलेंस कर लेता हूँ, हल्का ब्लू टोन लाने के लिए कलर बैलेंस करना ज़रूरी है। इसको भी मर्ज कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके। मेरे पहले फोटो ऐसा था, अब कुछ ऐसा है, बहुत अंतर आ चुका है दोस्तों। इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे, कंट्रोल जैसे ले सकते हैं या राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, फिल्टर मेनू अदर हाई पास। आप अपना फोटो के अनुसार से रख लें, मिनिमम 5 पिक्सल के आसपास रख लेता हूँ। इस टूल में जाएंगे, यहाँ से आप सॉफ्ट लाइट कर दें, इससे फोटो थोड़ा क्लियरिटी आ जाता है, इसलिए इसे आप यहाँ से हार्ड लाइट भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा सही है, अब इसको मर्ज कर देते हैं। देखिए दोस्तों फोटो में कितना अंतर आ चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।